इसी तरह हम कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स ऑफ द जो है वो थ्री फेज पावर भी हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स। तो आपको सिंपल रूल तो पता है कि अपेरेंट पावर इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स पावर दैट इज इक्वल टू वी आई कंजुगेट। ठीक है, तो अब ये देखें वी आई कंजुगेट 10.20। तो वी और टी को इसलिए लिखते हैं कि वो हैं फेजर्स हैं, वेक्टर्स हैं, तो जस्ट उनकी मल्टीप्लिकेशन डायमेंशन के लिए इसका ट्रांसपोज लेते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। ये आपके पास आ गया। तो वी के सीक्वेंस कंपोनेंट्स क्या हैं, आपने ये इक्वेशन अभी देखी है लिखी हुई कि वी फेज क्वांटिटीज इज इक्वल टू ए टाइम्स वी सीक्वेंस क्वांटिटीज। ठीक है, तो 10.17, ये आपके पास 10.17 का पार्ट है। इसी तरह 10.19 में आपके पास ये ब्लू में जो भी मैं इक्वेशंस लिखता हूँ ये हम पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके होते हैं, तो मैं आपको बता कि बार बार हम आगे पीछे जाएं तो हम सिर्फ ये देखने के लिए ये क्वांटिटीज आप इक्वेशंस जो है वो आपको पता हो और ये अभी आप पढ़ चुके हैं। तो इसी तरह आई ए बी सी है, तो आई ए बी सी और इसका ये भी है कॉन्जुगेट भी है, तो आई ए बी सी फेज इज इक्वल टू ए टाइम्स आई सीक्वेंस। ठीक है, तो ये वेक्टर जो है ये वेक्टर में फिर एक दफा ये वेक्टर ये देखें ये फेज का वेक्टर फेज क्वांटिटीज का वेक्टर है और ये आपके पास सीक्वेंस क्वांटिटीज का वेक्टर है। ये इस तरह इसको जस्ट मैंने आई ए तो नहीं ऊपर है ये ए बी सी एस है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे ये आपके पास फेज क्वांटिटीज हैं और जब सीक्वेंस कंपोनेंट्स हैं उनमें सबस्क्रिप्ट में भी ए के साथ हमने चूंकि सबको वो कर लिया है तो इसलिए ए लिखते हैं। अभी बाज बुक्स वाले ये भी एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ पे ए लिखना ए बी सी, ये अंडरस्टूड होता है 0 1 2 कि ये फेज ए के कंपोनेंट्स हैं। हम इनिशियली थोड़ा सा सीखने के लिए बी और सी फाइंड करेंगे, तो आगे जब हम बैलेंस अनबैलेंस सिस्टम को सॉल्व करेंगे तो ए के लिए जो हम सॉल्व करेंगे जस्ट वी विल राइट द आंसर फॉर द बी एंड सी लुकिंग एट बाय जस्ट लुकिंग एट द ए क्वांटिटीज जो है वो क्या है। तो ये आपके पास ये यहाँ पे आ गया ए आई ए 0 1 2 और इसके ऊपर कंजुगेट। ठीक है, तो ये इसको आप इन मैट्रिक्स इन जो ब्रैकेट्स हैं इनको खोल लें तो ये वी ए 0 1 2 का ट्रांसपोज बाहर आ जाएगा, तो ये ए ट्रांसपोज यहाँ पे आ जाएगा और इस तरफ से ए कंजुगेट है ये बाहर आ जाएगा, तो ए ट्रांसपोज जो है दैट इज इक्वल टू ए। अगर आप दोबारा पीछे जाते हैं तो ये बल्कि मैं एक काम करता हूँ मैं इसको यहाँ पे ले ही आता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये आपको मैं ए ले आया हूं यहाँ पे। ठीक है, तो ए का अगर आप देखें कि ट्रांसपोज जो है 1 1 1 टॉप रो 1 a² a सेकंड रो और 1 a² वही है जो ए है तो वही a² a ट्रांसपोज होगा, तो दैट मींस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए और ए ट्रांसपोज इनटू ए कंजुगेट जो है दैट इज इक्वल टू 3। तो ये हमने लास्ट यहाँ पे ये कहाँ पे यहाँ पे कहीं पे ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट किया है कहीं पे भी नहीं किया है, तो ये आप प्रैक्टिस में भी जाके कर लें। तो ए ट्रांसपोज और ए का कॉन्जुगेट दैट इज इक्वल टू 3, तो इस तरह जो है ए ट्रांसपोज इंटू ए दैट इज 3। ये आपके पास कंपोनेंट्स का वेक्टर आ गया वोल्टेज का और ये करंट के कंपोनेंट्स का वेक्टर आ गया यहाँ पे कंजुगेट के साथ। तो सिंपल अगर आप देखें तो सीक्वेंस कंपोनेंट्स 3 टाइम्स सीक्वेंस कंपोनेंट्स 3 टाइम्स सीक्वेंस पॉजिटिव नेगेटिव 0 3 टाइम्स ये आपके पास पावर आ जाएगी। दैट मीन के हर एक कंपोनेंट की पावर मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स यही है ना, 3 टाइम 3 कॉमन है सब में, तो पॉजिटिव सीक्वेंस पावर नेगेटिव सीक्वेंस पावर और 0 सीक्वेंस पावर अपरेंट पावर कंप्लेक्स पावर प्लस करें मल्टीप्लाई बाय 3 और आपके पास जो है वो
टोटल थ्री फेज पावर आ जाएगी जी। एनी कन्फ्यूजन? नो सर। ये जो वही मैं आपको बात बता दी थी, सबस्क्रिप्ट ए जो है वो क्वांटिटीज के लिए बाज़ औक़ात मेंशन करें ना करें, ये चीज़ जो है ये मुख्तलिफ बुक्स वाले मुख्तलिफ, आप आईए 0, 1, 2 ये ऐसे लिखेगा तो हम समझ जाएंगे कि दैट इज आईए 0 इज I0, ये ऐसे हो गए। इसी तरह I1 जो है दैट इज IA1, और I2 जो है दैट इज IA2। ठीक है, तो ये 2 जो है, अब हम इसको 2 पढ़ रहे हैं, स्क्वेयर नहीं पढ़ रहे, तो ये ध्यान रखिएगा ये स्क्वेयर नहीं है। अभी ये हमने तीन कंपोनेंट 0, 1, 2 जो है वो इनको पॉजिटिव 0 पॉजिटिव नेगेटिव इनको हमने रिप्रेजेंट किया। ये एक जस्ट अनबैलेंस सिस्टम की एग्जांपल्स हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स किए हैं, आगे मैं एक दो आपको बता देता हूं, बाकी आप खुद देख लीजिएगा कि सीक्वेंस कंपोनेंट से हम कितने आसानी के साथ जो है वो फेज क्वांटिटीज डिटरमिन कर सकते हैं। अब आप देखें अगर ध्यान के साथ, तो ये फिगर कहती है कि आपके पास तीन फेजेज हैं और फेज सी जो है दैट इज ओपन, दैट मीन्स आई सी इज इक्वल टू 0। फेज करंट सी जो है वो 0 के बराबर है और फेज करंट ए इज 10 एंगल 0, और तो फेज बी का जो करंट होगा वो आपको पता होना चाहिए। वैसे भी अगर आपको ये भी ना बताया होता तो ये भी आपको नॉन होना चाहिए। जस्ट ये आपके पास पाथ बनता है, ये यहाँ से ये करंट ठीक है, या ये करंट इस तरफ से आएगा और फिर भी, तो ये अगर दो में डिवाइड भी होगा तो अगेन जो यहां पे है वही यहां पे पहुंचेगा। तो आप देख के भी ये ठीक है, तो -0 को आप 10 एंगल 180 भी लिख सकते हैं। ये सेम फेज रिप्रेजेंट करता है, ये यहां पे मौजूद होगा, यहां ये जो करंट है ये यहां पे ये 10 एंगल 0 है, दैट इज IA, और ये आपके पास है IB। ठीक है, वन कंडक्टर ऑफ थ्री फेज लाइन इज ओपन, द करंट फ्लोइंग टू द डेल्टा कनेक्टेड लोड थ्रू ए लाइन ए इज 10 एम्पियर विद द करंट इन द लाइन एज ए रेफरेंस एंड एज्यूमिंग दैट लाइन सी इज ओपन, फाइंड द सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स ऑफ द लाइन करंट्स। अब हमने इनके सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स बनाने हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये हमने शुरू में देख लिया था कि IA0 IA1 और IA2 ये इक्वेशन जो हैं ये आपको याद रखनी होंगी। ये याद रखने की जरूरत है भी नहीं है, लेकिन अगर आप एक दफा प्रैक्टिस करेंगे दो दफा तो ये आपको याद हो जाएंगी। IA0 सीक्वेंस तो तीनों का सम डिवाइडेड बाय, ये इक्वेशन हमने कहाँ डिवेलप की थी, ये हमने ये देखें, ये करंट और ये वोल्टेज की हैं उसी तरह करंट्स की भी, ठीक है, 1/3 ये इनके रिलेशन है। तो आइए इन तीनों को IA0 फाइंड करें, तो 0 सीक्वेंस कंपोनेंट चूंकि न्यूट्रल नहीं है तो न्यूट्रल में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो दैट मींस कि ये कंपोनेंट आपका 0 होगा। ठीक है, इसी तरह IA1 को देखें, ये देखें IA0 ये 0 के बराबर आ गया। अब IA1 को देखें, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट है, IA1 इज इक्वल टू IA प्लस IAB AIB प्लस A² IC, ये A ऑपरेटर वाला A है, ठीक है, तो 1/3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये सॉल्व करें तो 5.78 -30°, ठीक हो गया। और इसी तरह नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट आपके पास आ गया 5.78 ∠30°, तो ये आपके पास तीन सीक्वेंस कंपोनेंट्स आ गए फेज ए फेज बी फेज ए के। तो अभी देखते हैं फेज बी और फेज सी क्या कहते हैं। तो नाउ लुक एट दिस, अभी ये हमने पिछली स्लाइड पे ये तीनों फाइंड कर लिए, IA0 IA1 और IA2, 5.78 ∠-30, 5.78 ± +30°। अगर आप मुझे ये ना भी दिखाएं तो फिर भी मैं आपको बता सकता हूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट 0 सीक्वेंस कंपोनेंट्स ऑफ अदर टू फेजेस। तो जस्ट यहाँ पे मुझे पता है कि IA0 इज इक्वल टू IB0 इज इक्वल टू IC0,
ये तीनों जीरो हैं तो ये तीनों की वैल्यू जीरो के बराबर होगी। पॉजिटिव सीक्वेंस में आई ए के बाद बी आता है, आई ए वन इसके माइनस 120 डिग्री के बाद आता है आपके पास क्या, आई बी वन, ठीक हो गया। तो ये आपके पास अगर आप ध्यान के साथ देखें, मैं ठहरे इसकी फेजर बनाता हूं ताकि ये मैं रेफरेंस ड्रा कर लिया मैंने ये, अब जो है वो मैं आपको बना, ये आपके पास आ गया आई ए वन माइनस 30 डिग्री यहां पे कहीं पे मौजूद होगा, तो इसी मैग्नीट्यूड का आई बी होगा इससे 120 डिग्री पीछे, कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, जस्ट बता रहा हूं आई बी वन, ये ए वन है, आई ए वन इससे 120 डिग्री के इस तरफ आपका होगा आई सी वन, ये आपका आ गया आई सी वन, ये सीक्वेंस है। तो यहां कैलकुलेशन के बाद भी देखें, ये आई बी वन कैलकुलेट किया उसने, ठीक है, ये इसके 30 और उसको एंगल इसके साथ माइनस 120 मल्टीप्लाई किया, उसके पीछे माइनस 120, ठीक है, तो दैट बिकम माइनस 150। इसी तरह आई सी वन के साथ फर्दर आई बी वन को अगर आप माइनस 120 डिग्री एंगल के साथ, वन एंगल माइनस 120 के साथ मल्टीप्लाई करें तो फर्दर आपके पास जो है वो आपके पास आ जाएगा आई सी वन। और अगर ये नहीं करते तो अगर यहां से देखें तो इस तरफ ये 120 डिग्री पॉजिटिव का डिफरेंस है आई बी और आई सी का, तो आई बी आई ए को अगर आप 120 एंगल के साथ, वन मैग्नीट्यूड और 120 डिग्री के साथ रोटेट करें तो आप आई सी वन पे पहुंच जाएंगे, ये आपके पास आई सी वन, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट्स को, तो नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट्स क्या कहते हैं, आई ए टू नेगेटिव सीक्वेंस कंपन 5.78 एंगल 30 डिग्री, 5.78 ये 30 डिग्री यहां पे नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट आ गया, ठीक है जी। इसके 120 डिग्री के बाद आपके पास आएगा आई सी नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, तो ये देखें आई सी ये अगर कहां पे 30 डिग्री पे तो माइनस 120 माइनस 90 पे आएगा आई सी, ये देखें आई सी आई, इसके 120 डिग्री के बाद आपके पास आएगा आई बी टू, दैट इज माइनस 90 माइनस 120 कितना हो गया, गलत तो नहीं हो रहा, 30 माइनस 120 कितना आ गया 90 सर, 90 माइनस 90 ना, और माइनस 90 के 120 डिग्री के बाद कितना आ जाएगा माइनस 90 और 120 210 माइनस के सर, यस सर माइनस के सर माइनस 210, ठीक है, तो ये माइनस 210 यहां पे कहीं पे होगा। तो प्लस साइड से अगर आप देखेंगे तो 360 माइनस 210 कितना हो गया, ये एंगल 150, ठीक है, तो ये देखें आई बी नेगेटिव कंपोनेंट 5.78 150 डिग्री। तो ये इतना आसान है, जस्ट वही सारे सीक्वेंस के साथ जो आप करते रहे, अब हम नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट के साथ भी करेंगे। पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट्स जो हैं वो आपके पास जो हैं उसी तरह जो आज तक आप स्टडी कर रहे हैं, ए माइनस 120 बी माइनस अगेन 120 नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट आई ए माइनस 120 सी आई बी आई सी 120 बी, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट आपके पास तीनों जो हैं वो सेम मैग्नीट्यूड और सेम एंगल पे होते हैं। ये इसका बेसिक कंसेप्ट था और ये फार्मूलाज मैंने साथ में आपके लिए लिखे हुए हैं कि आपस में इनका क्या रिलेशन है, ठीक है। तो ये देख लें आप तीनों कंपोनेंट्स फाइंड कर लिए। अब ये गौर से देखने वाली बात है, ये पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट्स हैं, तीनों जो हैं सेम मैग्नीट्यूड और 120 डिग्री का फेज शिफ्ट, आई ए बी सी ये सीक्वेंस है। इसी तरह यहां पे देखें
नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट तीनों का मैग्नीट्यूड सेम और एंगल जो है वो -120। सीक्वेंस क्या है, आई ए, आई सी और आई बी। ठीक है जी, ये आपके पास तीन जो हैं, तीन बैलेंस सिस्टम है जिनमें अगर आपको एक कंपोनेंट पता है तो जस्ट यू कैन राइट आई ए बी जीरो सीक्वेंस, तीनों ऐसे लिख ली। आई ए आपके पास -130, ये आपके पास बी और ये आपके पास सी। नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट्स आई ए बी और सी, ये तीन बैलेंस नेटवर्क्स आपके पास डिवेलप हो जाएंगे। ठीक होगी बात, ये बेसिक आइडिया था कंपोनेंट्स का। ये वो आपकी बुक में एग्जांपल जो है वो उसने मैटलैब से सॉल्व की, तो मैंने इसको जो है वो मुख्तलिफ बुक से उठाया है तो ताकि आप देख सकें। अब इस एग्जांपल को देखें, इसकी एक ख़ास बात है, इसको अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो ये फेज ए इज एट ज़ीरो, बी इज -120, सी इज -240 या +120। तो ये पॉजिटिव सीक्वेंस का गिवन है, इसके सीक्वेंस कंपोनेंट आपने बनाने। ठीक है, ये पॉजिटिव सीक्वेंस में एक फेज वोल्टेज है, ठीक है ना, जिसका वेक्टर है ए एन बी एन और सी एन, तीनों आपस में पॉजिटिव सीक्वेंस। तो जब आप इसका पॉजिटिव सीक्वेंस, इसके पॉजिटिव वोल्टेज, इसका बैलेंस सिस्टम, ये बैलेंस सिस्टम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है और एंगल जो है वो 120 डिग्री का फेज डिफरेंस के साथ ए बी सी है, तो इसके अगर आप कंपोनेंट्स निकाल लें तो आप देखेंगे कि चूंकि इटसेल्फ ये पॉजिटिव सीक्वेंस ए बी सी में है तो इसका जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट भी जीरो होगा और इसका नेगेटिव कंपोनेंट भी जीरो होगा। देयर विल ओनली बी ए पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट दैट इज वी ए वन, ठीक है, वी बी वन और वी सी वन, वी ए जीरो, वी बी जीरो, वी सी जीरो, तीनों जीरो होंगे। तो हमने एक फाइंड कर लिए, बाकी आप देख लेंगे। तो वी जीरो का क्या मतलब है कि तीनों को जब प्लस करें डिवाइडेड बाय थ्री, ये सिंपल कैलकुलेशन करें, आपके पास जीरो रिजल्ट आए। इसी तरह वी वन को देखें, तीनों को सम करें और डिवाइडेड बाय वन ओवर थ्री, ठीक है, इसके साथ आप ए भी आएगा ना, ये फार्मूला कहां पे, ये वाले फार्मूले, ये जो हमने की है बी सी ए और ए आर ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये ध्यान के साथ। तो ये आपके पास देखें पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट की वोल्टेज आ रही है 277 एंगल जीरो, वी ए वन है। इसी तरह वी ए टू, इस बुक वाले ने देखें ए को भी एलिमिनेट कर दिया जो हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे। तो वी ए टू जो है दैट इज नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, उसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये देखें ये आपके पास ये भी जीरो आ गया। तो ये दो जीरो इंडिकेट करते हैं कि ये बैलेंस पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट बैलेंस सिस्टम है और उसका सिर्फ सीक्वेंस कंपोनेंट एग्जिस्ट करेंगे। इसी तरह अगर आप देखें तो ये आपके पास नेगेटिव सी जीरो, उसके बाद सी -120 और देन बी -120 240 या +120, ये लोकेशन जो है। तो इसका अगर आप पॉजिटिव भी जीरो होगा और नेगेटिव भी जीरो होगा, सॉरी जीरो भी जीरो होगा जबकि नेगेटिव इसका ओनली एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे देख लें जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट पॉजिटिव जीरो और नेगेटिव ने एग्जिस्ट कर, ये जस्ट एग्जांपल आपको समझाने के लिए कि सीक्वेंस, अगर सीक्वेंस बैलेंस सिस्टम का अगर आप सीक्वेंस कंपोनेंट्स निकालेंगे तो जिस सीक्वेंस का कंपोनेंट होगा सिस्टम होगा उसी का सीक्वेंस कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा, बाकी दोनों जीरो होंगे। ये सारे आप देख सकते हैं। अब इसमें न्यूट्रल भी है तो न्यूट्रल इज ग्राउंडेड सो अर्थ कनेक्टेड, तो इट मींस कि अनबैलेंस सिस्टम है तो करंट जो है वो फ्लो करेगा आई एन, ठीक है जी। तो आई एन इज इक्वल टू जीरो सीक्वेंस प्लस पॉजिटिव सीक्वेंस प्लस नेगेटिव सीक्वेंस। तो ये आपने तीनों के जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट्स निकाल लिए, अनबैलेंस सिस्टम था, ठीक है, ये देख लें क्योंकि यहाँ पे आपके पास ब्रेक आ गई है तो ये अनबैलेंस हो गए। तो अब आपके पास तीनों को सम करें दैट मीन्स न्यूट्रल करंट फ्लो करेगा। अगर ये न्यूट्रल एग्जिस्ट करता है बट नॉट ग्राउंडेड तो देन दिस करंट विल बी इक्वल टू
दिस करंट, ठीक है, जो हमने पहली एग्जांपल में हमने किया था, ये करंट इक्वल होंगे। अगर आपके पास अनबैलेंस सिस्टम है और न्यूट्रल ग्राउंडेड हो, हमेशा ज़हन में रखेंगे, तो देन देयर विल बी अ न्यूट्रल करंट फ्लोइंग थ्रू ग्राउंड। बैलेंस सिस्टम में कभी भी न्यूट्रल करंट नहीं फ्लो करता टूवर्ड्स द ग्राउंड। चलिए, ये आपके पास बेसिक एग्जांपल थी, तो बाकी भी एग्जांपल थोड़ी सी मैंने इसमें रखी हुई हैं, वो भी आप जरूर सॉल्व कीजिएगा सब। ये आपको जो है वो आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर करेंगे, जस्ट प्रैक्टिस के लिए हैं। सिंबल्स डिफरेंट आएंगे, लेकिन आपने अब उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको।